31. स्पीकर सर, बिंदुवार उत्तर अनुसार है, कुशल पुलिसिंग के लिए राजस्व जिला सिरसा के क्षेत्र को सरकारी अधिसूचना संख्या MSO 54 दिनांक 10/2/23 दिनांक 23/8/23 के तहत पुलिस जिला सिरसा और डबवाली में विभाजित किया गया था। पुलिस स्टेशन रोडी और बड़ागुड़ा को पुलिस जिला डबवाली के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। ग्राम पंचायतों और बार एसोसिएशन के कई आवेदनों पर विचार करने के बाद सरकारी अधिसूचना संख्या SO6HA 25/2008 S10/2024 दिनांक 24/1/24 के माध्यम से पुलिस स्टेशनों को पुलिस जिला सिरसा के क्षेत्रीय अधिकार में स्थानांतरित कर दिया गया है। कालावाली में उपमंडल न्यायालय स्थापित करने की व्यवहारिकता रिपोर्ट उपायुक्त सिरसा से मांगी गई है, लेकिन रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। इस संबंध में कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्या पुलिस चौकी को चुटाला, पुलिस चौकी को थाना अपग्रेड करेंगे? जी, मामला सरकार के पास विचाराधीन है और उचित विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, डबवाली को पुलिस जिला उसकी भौगोलिक परिस्थिति और तेजी से बढ़ते हुए नशे और अपराध की जो समस्या है उसके मद्देनजर बनाया गया था। एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ पंजाब है, और अपराधियों के लिए बड़ा सुगम है कि वहां पे अपराध करके दूसरे प्रदेशों में चले जाना। अब बड़ागुड़ा रोड़ी जो थाने हैं उनको डबवाली पुलिस जिला से स्थानांतरित करके दोबारा सिरसा पुलिस जिले में डाला गया। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो उद्देश्य था मुख्यमंत्री जी का इसको पुलिस जिला बनाना डबवाली को, उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से कमजोर करने का काम करता है। और इसको समझने की आवश्यकता है क्योंकि जितना भी पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है, जितने भी पंजाब से सटे हुए गांव हैं, वे एक ही पुलिस जिला डबवाली पुलिस जिला के अंतर्गत आने चाहिए ताकि जो पुलिस प्रशासन है वह संयोजित और प्रभावशाली ढंग से नशे के ऊपर और जो अपराध है उसके ऊपर नकेल कर सके। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सिरसा जिला है उसमें तकरीबन 354 गांव हैं, 344 गांव हैं, उनमें से जो डबवाली पुलिस जिला है उसमें केवल 90 गांव आते हैं, बाकी सिरसा पुलिस जिले में 254 गांव आते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं पहला सवाल मंत्री जी से एक मांग के माध्यम से भी करना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी सिरसा जिला के जितने भी थाने हैं उनकी दोबारा नए ढंग से हदबंदी करवाकर पहला ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गांव जिस पुलिस जिले, दोनों पुलिस जिले में से ज्यादा नजदीक पड़ता है उसके अंदर डालने का काम करें, और उसमें विशेष करके ध्यान रखें कि जो पंजाब से सटी हुई सीमा है, जो थाने पंजाब से सटे हुए हैं, वे सारे के सारे डबवाली पुलिस जिला के अंतर्गत आए ताकि वे ज्यादा प्रभावशाली हो। उसके साथ साथ जो एक न्याय संगत तरीके के साथ कि दोनों पुलिस जिलों के अंदर जो गांव का आवंटन हो वो तकरीबन बराबरी के भाव में हो, जितना ज्यादा तर्कसंगत तरीके से किया जा सके। तो पहला सवाल तो मेरा मंत्री जी से ये है। एक बारी कर लो ना, बार बार की बजाय और क्या है सर? दूसरी बात है जो आपने अभी ADJ कोर्ट के बारे में की और जो सब डिविजन कोर्ट है कालावाली में, जो सिरसा के अंदर तकरीबन 55% जो मामले हैं, चाहे वो सिविल सूट्स हो चाहे वो आपराधिक मामले हो, वो डबवाली पुलिस जिले से संबंधित हैं। और उन मामलों के लिए चाहे अधिवक्ता है हमारे जो नागरिक हैं, उनको सिरसा जिला न्यायालय में जाना पड़ता है जो शहर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पे है, चौटाला गांव से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बहुत बड़ी एक समस्या रहती है। तो मैं ये मांग भी करता हूं कि जो डबवाली के अंदर ADJ कोर्ट की स्थापना की जाए, उसका संसाधन वहां पर मुहैया है, बिल्डिंग है वहां पर, तो उसको करेंगे तो एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। आपने ये कहा कि सब डिविजनल कोर्ट जो कालावाली की है उसका एक प्रस्ताव चल रहा है, बहुत पुरानी मांग है, ये भी अब डबवाली पुलिस जिले के अंतर्गत आती है, न्याय संगत मांग है, उसको भी पूरा कराया जाए। और आखिर में इसी के साथ एक और सवाल करते हुए मैं कि जो चौटाला गांव है वो आबादी के आधार पर एक बहुत बड़ा गांव है,
राजस्थान से सटा हुआ गांव है और उसके कारण जो नशे की समस्या कह लीजिए या अपराध की समस्या कह लीजिए उसके मामले में भी संवेदनशील है। तो इस मद्देनजर मैं मानता हूं कि जो उसकी पुलिस चौकी है उसको थाने में कन्वर्ट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं इसका प्रस्ताव मैं व्यक्तिगत रूप से भी भेज चुका हूं, पहले प्रशासन के माध्यम से भी आपके पास प्रस्ताव आया हुआ है, तो मैं कहूंगा कि इसको एक्सपीडाइट करके जल्द से जल्द करवाने का काम करें और खास करके जो मैंने एडीजे कोर्ट की मांग की और जो हदबंदी नई तरीके से कराई जाए ताकि एक तर्कसंगत, तो यही मैं आपसे मंत्री जी से ये सवाल करना चाहूंगा कि इसके ऊपर वो पूर्ण विचार करके और इनको एक्सपीडाइट कराने का काम करेंगे, इनके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा उनका। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एडीजे कोर्ट बनाने की बात की है उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी हुई है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और अब मैं आज की इसकी कार्रवाई का भी विभाग को लिखूंगा कि हाउस में भी इस पर चिंता व्यक्त की गई है कि जल्दी वो रिपोर्ट हमें दी जाए ताकि उसकी कार्रवाई आगे की जा सके। जहां तक चौटाला को चौकी को थाना बनाने की बात है तो जैसे प्रश्न आया डिप्टी सीएम भी मुझे कह रहे कि भाई थाना तो वहां पे बना ही दो, तो थाना तो हम बना देंगे जी, वहां पे उसको चौकी को थाना कर देंगे। जहां तक ये थाने शिफ्ट करने की आपने ये बात की है, मेरे पास आपके सिरसा की सारी बार एसोसिएशन आई थी, ए टू जेड एडवोकेट्स केम टू माई हाउस और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये तो गलत हो गया और इसको ऐसे किया जाए, हमने कर दिया और जो दोनों बड़ा बड़ा और रोड़ी थाना था वो हमने दोबारा सिरसा में कर दिया। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मैं सर्वे करवाऊंगा, अगर उसमें कोई स्कोप होगा तो हम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं सर मंत्री जी से यही एक निवेदन भी करूंगा, आह्वान भी करूंगा कि जो अधिवक्ता हमारे डवाली के हैं कृपया करके उनसे भी एक बार दोबारा मिलके वो भी आपको अपनी विचार रखना चाहेंगे इसके बारे में, उनकी जो आपत्ति है। और मैं इसलिए जैसे आपने कहा मैं वो भी आए थे मेरे पास बाद में, मेरे पास तो सारे ही आते हैं जी, तो मैं बस इस बात का स्वागत करता हूं कि आप इस तर्कसंगत तरीके से दोबारा हदबंदी पे विचार जरूर करें ताकि जो न्याय संगत तरीके से हो सके। धन्यवाद धन्यवाद। माननीय सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।